उस लड़की में वो सारी क्वालिटियाँ हो जिससे आपको लगता है कि इस लड़की से आपको कोई दूसरी अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती, यानी कि एज ए गर्लफ्रेंड आप उन्हीं लड़की को चू कर रहे हो और आपको लगता है कि इससे अच्छी लड़की आपकी कोई गर्लफ्रेंड बन ही नहीं सकती। प्रॉब्लम एक ही है कि जिस लड़की के पीछे आप पड़े हो उस लड़की का ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड है, तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए और क्या हो सकता है इसी बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा कि हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल इफ सी हैज़ अ बॉयफ्रेंड। तो दोस्तों इसमें दो स्टेप में आपको काम करना पड़ेगा। अगर पहला स्टेप आपने अच्छी तरह से कंप्लीट किया तो दूसरी तरह से आप उस लड़की का जो स्टेप दूसरा होगा उनको इम्प्रेस करने का और प्रपोज करने का वो आसानी से कर सकोगे, क्योंकि एक लड़की ऑलरेडी रिलेशन में है उसको भी आप अपने रिलेशन में ला सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा देना होगा और सोच समझ कर सूझबूझ के साथ अपनी प्री प्लानिंग के साथ अगर आप काम करोगे, क्योंकि एक नॉर्मल लड़की को इम्प्रेस करने में और एक रिलेशन में होने वाली लड़की को इम्प्रेस करने में थोड़ा सा एक ही स्टेप का फ़र्क होता है जो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो आप अच्छी तरह से उस लड़की को इम्प्रेस कर सकते हो और अपने उनके साथ रिलेशन में आ सकते हो। तो अब करना क्या है मैं समझाता हूँ। पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी वो है रीडिंग द सिचुएशन, यानी कि आपको परिस्थिति को रीड करना है और समझना है। जब आप उस लड़की को पास जाते हो तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ये लड़की के कोई और लड़के के साथ रिलेशन में है, ऑलरेडी रिलेशन में है और आप उसको इम्प्रेस करना चाहते हो। तो सबसे पहले काम आपको ये करना होगा कि आपको सिचुएशन को रीड करनी है, मतलब उनका रिलेशन रीड करना है, क्योंकि यहाँ पे ही जाके आपको पता चलेगा कि आगे जाके आपको क्या करना है, किस तरह से इसे इम्प्रेस करना है, कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा कठिन है, कौन सी आपके लिए बेनिफिट यहाँ पे मिल सकते हैं, उनके वीक पॉइंट क्या है रिलेशन के, उनके बेनिफिट क्या है उनके रिलेशन में। तो चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ सकोगे तो आपके लिए यहाँ पे बहुत सारा डेटा है उनके रिलेशन के बारे में मिल जाएगा, और उस डेटे के हिसाब से उनको एनालिसिस करके आप अपनी नेक्स्ट तैयारी कर सकते हैं उसको इम्प्रेस करने के लिए। तो सिंपली आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको उनका सिचुएशन, उनका रिलेशन का सिचुएशन रीड करना है। आप ऐसे ही उनसे बात करते करते पूछ सकते हैं, उनके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ सकते हैं, आप उनके रिलेशन के बारे में पूछ सकते हैं कि तुम्हारा रिलेशन कितना लॉन्ग है, आप उनसे पूछ सकते हो कि नेक्स्ट वीक आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहाँ जा रही हो या अपनी छुट्टियों कैसे स्पेंड कर रही हो। तो जब आप उनके रिलेशन के बारे में आप पूछोगे, ऐसी बातें करोगे, थोड़ी सी इतना डीप में नहीं जाना पर ऐसे नॉर्मल चीज़ों के बारे में आप बात करोगे, तो उनका जो आंसर मिलता है वो आपको ध्यान से सुनना है कि वो उनका आंसर है अच्छा है कि नहीं। यहाँ पे आपको फीडबैक लेना है उनके रिलेशन का उन्हीं के पास से, क्या वो लड़की है वो अपने रिलेशन से संतुष्ट है, क्या उनकी कोई तकलीफ है रिलेशन में, क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या लड़की असंतुष्ट है। अगर उनकी जो प्रॉब्लम्स उनके रिलेशन में है, कहीं ना कहीं उनका बॉयफ्रेंड को टाइम नहीं दे रहा है, उनके साथ ज़्यादा घूमने नहीं जाता है, यानी कि वो लड़की उस लड़के से खुश है या नहीं, ये आपको जानना है, क्योंकि वो चीज़ वो लड़का नहीं दे सकता, वो शायद आप दे सकते हो। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट वाली बात है कि आगे जाके आप उस लड़की को ये चीज़ें दे सकते हो, क्योंकि अगर वो लड़का टाइम नहीं दे रहा है तो एज ए फ्रेंड आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छी तरह से समझ लोगे कि इनके रिलेशन में क्या क्या चीज़ें अच्छी है, क्या क्या चीज़ें अच्छी नहीं है, क्या लड़की को इस रिलेशन में रहना चाहती है, क्या आप उससे बेस्ट रिलेशन उनके साथ रख सकते हो, अगर इन डेटों का सारा आप हिसाब मिला के आपके ये समझ में आ जाएगा कि उनका जो पास्ट का बॉयफ्रेंड है या प्रेजेंट में भी बॉयफ्रेंड है उनसे आप बेस्ट बन सकते हो और उस लड़की को ज़्यादा इम्प्रेस कर सकते हो, तो ये आपके लिए डेफिनेट अच्छी बात है। दूसरी चीज होती है कि मेकिंग मूव, यानी कि अब आप उनको इम्प्रेस करने के लिए जा रहे हो, तो आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप उनको इम्प्रेस कर रहे हो तो उनका बॉयफ्रेंड कौन कौन जगह पर नहीं पहुंच सकता, मतलब क्या क्या उनके रिलेशन में उनका बॉयफ्रेंड है उसको प्रोवाइड नहीं कर सकता, उनके साथ फ़ोन पे बात नहीं करता तो आपको उन चीज़ का बेनिफिट उठाना चाहिए, उनका बॉयफ्रेंड उसको टाइम नहीं देता तो आपको उन चीज़ का बेनिफिट उठाना चाहिए, अगर उन बार बार झगड़े कर रहा है तो आप लड़की को ज़्यादा रिस्पेक्ट दें, उनकी केयर करें। यहाँ पे उनको आपको अच्छी तरह से इम्प्रेस करना है, पहले देख लेना कि इनके रिलेशन में क्या अच्छा है क्या बुरा है, बाद में आके वो चीज़ें है आपने अपने आप से उनको दिखानी है कि आप कितने ऑसम हो, आप उनके बॉयफ्रेंड से कितने ज़्यादा अच्छे हो, आप उनकी कितनी केयर करते हो, आप कितने रिस्पेक्ट करते हो। तो आपके यहाँ पे अच्छी तरह से चांस मिल जाएगा कि आप उनको लाइक करते हो, और आपको थोड़ा थोड़ा उनके साथ फ्लर्ट भी करना है ताकि उनको इस चीज़ों के बारे में पता चले कि आप उसको लाइक करते हो। तो फिर ये सब चीज़ें कर जाने के बाद अगर आपको ये भी देख लेना है कि क्या वो लड़की अब आप में इंटरेस्टेड है, क्योंकि उनके रिलेशन में जो खराबी होगी इनके कारण
वो आप पे एक्सपेक्ट करेगी कि शायद वो भी ऐसा एक रिलेशन फाइंड आउट करना चाहती हो जो उन्हें अपने प्रेजेंट के रिलेशन से कुछ अच्छा दे सके, कुछ बेस्ट दे सके, तो उनकी निगाहें श्योरली आप पे ऊपर होगी। तो ये सब करने के बाद अगर आप उनको देखना है कि क्या उस आपको लगता है कि वो लड़की भी आपको लाइक करती है, तो यहाँ पर आप पहुँच जाते हो, तो आपको उनको प्रपोज करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपने ये सारी चीज़ें इसी तरह से कर ली तो यहाँ पे आपका प्रपोज एक्सेप्ट होना ही होना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे और वीडियोस देख सकें। और आपका वही कोई लव लाइफ और रिलेशन के बारे में क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन करिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। तो फिर मिलेंगे कैसे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।